डिगरी लय संहार के मेरी कुंज बिहारी नवान और सो कर सके अपनन को प्रतिपा अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो कुंज बिहारी न लाड़ली तुम ते सुख मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हितु प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद सुला जो बिगरेगी राबरी होई भगतु कुहा ताते तुम सुन कहे तुम आपने भूल छुड़ाओ लाड़ली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाड़ली तो ही सब ही तिहारे हारी रास को अवन गति तू मेरी चरण कमल तुमरे चरण कमल श्री हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवासिनि विहारी प्राण वित्ताय नमः प्रेमैकम् ना पाई ना पाई है श्री स्वामी बिन के विपिन बसो वैराग्य जुत जो लड़काई खेल प्रेमी रसिक जनों करता मन करता सही ये करता श्री हरिदास करता सुख इन सो लहे महाप्रेम सुखुरा सब कर्तन के कर्ता ये बिहारी बिहारिन इनके भी कर्ता प्राण स्वरूप ये प्रेम सहेली हैं ये ललता जू हैं ये हरिदासी जू हैं ये सुखरास नवेली हैं सुखरास नवेली प्रगट भई प्रगति सी ललित 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 तीन बार कहने को आशय
तीनों ही स्वरूप में श्री ललिता जी हुई हैं। प्रगति श्री ललित 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 कैवे में तो तीन हैं, ये सुख मिल बिल से एक, ये तन कर बिल से द्वैजने और मन कर बिल से एक। कैवे मात्र में ये तीन हैं बिहारी बिहारिन, तत्व में एक है। व्यरत सहज स्वभाव दो ये सखी सहायक संग, और रोम रोम में रम रही न्यारी निरखत रंग। बिहारी बिहारिन के रोम रोम में सखी रमी भई, ललताजू रमी भई, हरिदासी जू रमी, और न्यारी हुए क्यों अवलोकन कर रही हैं, उनको लाड़ू लड़ा रही हैं, सहश्रीन के स्वरूप में भी अवलोकन कर रही हैं। धन्य हो ललताजू हरिदासी जू। श्री हरिदासी केल है और श्री हरिदासी बेल, रति रस बिलसन को भई ये दो नवल नवेल। ये नवल और नवेली के रूप में भी ये हरिदासी जू ही है। प्रेमी रसिक जनों, हरिदासी जू की अंक इनको हृदय ही हृदय सीज पर भगवत हृदय सरोज पर बिलसत श्यामा श्याम। ये हृदय सरोज पर हृदय कमल में अंक में ललताजू के गौर श्याम बिहरे सदा श्री हरिदासी जू अंक। हरिदासी जू की अंक में ये बिहारी विहरण अनवरत अखंड रूप से बिहार परायणों में है। अवच्छिन्न अखंड रूप से बिहार प्रायण ये ललता जी राखें अपने प्रिय या प्रीतम को। तरुण तरंगन में, तरुणाई की तरंगन में बिहारी विहरण अरुते रहे और ललता जी ने सोझा में है। पैरत सात सखी के अति आवर्त विहार। स्वामी जी महाराज की जय। तो श्री हरिदासी केल हैं और श्री हरिदासी बेल, रत रस बिलसन को भई ये दो नवल नवेल। नवल और नवेली के रूप में, रस के रूप में, सेज के रूप में, बिहारी विहरण की इच्छा के रूप में, अंगन के रूप में, अंगजा के रूप में ये हरिदासी ही जू है। प्रेमी रसिक जनों, कर्ता स्वरूप ये रसपर्क, आज का प्रसंग थोड़ा रसपर्क समझेंगे। मूल में कर्ता स्वरूप ये हरिदासी जू है। कर्ता मन कर्ता सही कर्ता श्री हरिदास, जैसे कर्ता किया सो हुआ सुमेरु अचल चला। तो ये सुमेरु पर्वत भी जो अचल है वो चलायमान हो जावे है, हरि जो करें वही होवे है। लेकिन यहाँ रसपर्क भाव में भी थोड़े जाएंगे कि यहाँ नित निकुंज महल में ये कर्ता स्वरूप बिहारी विहरण के भी कर्ता, उनके भी प्राण स्वरूप रसरूपा प्राण सहेली हरिदासी जू हैं। बिहारी दास आनंद निधि लूट सके तो लूट। ये आनंद की निधि है हे बिहारी दासो, यह लूटो सको तो लूटो। स्वामी जी महाराज ने भंडार खोल दियो है। जाचत जगत रति पलमासा,
दीनों खोल खजानों खासा, जो खास खजाना मूल तत्व मूल प्रेम मूल सुख मूल रस रहस्य निर्बध तत्व वाको जो खजानो हो मूल स्वामी जी महाराज ने खोल दियो है। प्रेमी रसिक जनों या खजाने की चाबी और कहूते और काउते और धामते और नामते प्राप्त ना है सके है। एकमात्र स्वामी जी को नाम वृंदावन धाम यहीं से प्राप्त। बिहारी दास आनंद निधि लूट सके तो लूट। ये आनंद की निधि खजाना है भंडार है या रस में या रस नित्य विहार सर्वोपर रस लूट सके तो लूट। महामधुर रस माधुरी मधुर प्रेम रस भूट। ये महामधुर रस माधुरी है मधुराति मधुर रस माधुरी है मधुर प्रेम रस घूंट 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 के पियो। घूंट घूंट के जैसे मीठा दूध होता है ना घूंट घूंट के पान करते हैं ऐसे श्री हरदास नाम को घूंट घूंट के पीने के साथ में ये रस रहस्य को चिंतन मनन और विहारी विहारन की अंतरंग सुख जो अंतरंग रसमय सुख है वाको चिंतन मनन और या रसरीति को समझनो निपट तत्व को समझनो अनिवार्य है और ये स्वामी जी की कृपा सो ही संभव है रसिक जनन की कृपा सो संभव है। लेकिन चिंता मत करिए क्रम क्रम से आप प्रेमी जनों को पहले भी बताया होगा कि तुम्हारा प्रारंभ हो गया अनन्य भाव स्वामी जी के चरणों में कर लिया। अब स्वामी जी किस तरीके से तुमको समझाते हैं किन रसिकन के द्वारा कौन सी बात तुम्हारे हृदय में चुभे है गुरुन के माध्यम से या गुरुभाइयों के माध्यम से या अन्य काउ के माध्यम से स्वामी जी येन केन प्रकारेण अगर तुम्हारा स्वामी जी के श्री चरण कमलन में अनन्य भाव है मूल में सबसे कीमती बात रस तो अपने आप आवेगा शुद्ध समझ अपने आप आवेगी। मूल में सबसे कीमती बात आप लोगों को काफी समय से पढ़ाया जा रहा है स्वामी जी के द्वारा सबसे कीमती बात स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य भाव सब जगह से मन को हटाए के और श्री हरदास नाम जाप राग द्वेष रहित जीवन ये निजी तत्व है। रस दृष्टि भी मान लीजिए तुम्हारी रस की समझने की चेष्टा करें बहुत आए सब रस लेन रस लेने के लिए हम रस की चेष्टा करें और स्वामी जी के श्री चरण कमलों में अनन्य भाव नहीं है श्री हरदास नाम जाप नहीं है रस समझने के बाद भी वो तुम्हारे हृदय में डटेगा नहीं वो निकल जाएगा। इसलिए सबसे कीमती चीज आप लोगों को पहले से स्वामी जी की कृपा से यही समझाई गई है स्वामी जी के श्री चरण कमलों में अनन्य भाव है। शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री स्वामी हरिदास श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार को। लो सा महाराज श्री कह में है श्री हरिदास नाम जा बड़भागी की रसना पे जगमगाट करता है बार बार लियो जाए है ताको पूरो जाप बाकी सारी क्रियाएं पूरी हो गई श्री हरदास नाम के अलावा और कछु अच्छो न लगे है पावे नित्य विहार को। कछु तुम्हारी समझ में नहीं भी आयो है स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव है श्री हरदास नाम में अनन्य भाव है नाम प्यारो लगे है स्वामी जी प्यारे लगे हैं तो निश्चित 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 तुमको नित्य विहार प्राप्त होगा स्वामी जी महाराज की। और ये बात तुम्हारी नहीं बनी और तुमने कहूं से सुन समझ के नित्य विहार की
बहुत सी बातों को समझने की चेष्टा करी, लेकिन अनन्य भाव तुम्हारो नहीं बनो। कुसंगत के कारण, सलल संग के कारण सलल भाव ही बने रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई भी पूंजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली के बहुत समझने के बाद, बहुत प्रवचन करने के बाद भी खाली के खाली रह जाएंगे। स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव है, श्री हरदास नाम के प्रति अखंड निष्ठा है, तो तुम बहुत बड़ी जीत में हो, क्योंकि स्वामी जी महाराज अपनी निजी वस्तु को उसी को प्रदान करें हैं। जाको भाव स्वामी जी के श्री चरण कमलन में अनन्य भाव सो है। प्रेमी जनों, बहुत लोगों को देखा है, क्षमा करें बिहारी जी, स्वामी जी महाराज नहीं कहना चाहिए। बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े स्टेज पर बैठते हैं, बड़े धूमधाम के साथ लोगों का आकर्षण भी होता है, लेकिन अनन्य भाव के नाम पे कतरा जाते हैं, दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। उपदेश तो कर रहे हैं अनन्य भाव का, लेकिन उस अवधारणा में खरे नहीं उतरते हैं, खरे नहीं दिखते हैं। तो सिद्धन के उपदेश कहा, सकाम भजे श्रमवाद कियो। बिहारंदी जी महाराज बोले, चाहे सिद्ध कोटि के क्यों नहीं हो, सकाम है, सलल्य भाव है, उनका उपदेश किस काम का है। स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव नहीं है। श्री हरदास संग बिन हिलग बिन हेत करे हाँ, तो अगर स्वामी जी के चरणों में हिलग नहीं है, उनके प्रति प्रेम नहीं है, चाहे इंद्रिय जीत है, चाहे महात्यागी हैं, चाहे सारे गुण मौजूद हैं, उनको स्वामी जी की वस्तु प्राप्त नहीं होती है। स्वामी जी वातों प्रेम नहीं करे हैं। इसलिए मूल बात घबराइए नहीं, मूल बात स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव है। स्वामी जी तुमको दिखते हैं तो प्रिया प्रीतम तो उनके मुट्ठी के धन हैं, उनके गोद के धन हैं, उनके हृदय के धन हैं, उनके रोम रोम के धन हैं। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरदास, प्रिया प्रीतम के रोम रोम में ललित प्रिय हरदासी जी रमी हुई हैं, वो हरदासी जी के रोम रोम में बिहारी बिहारन रमे हुए हैं। तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारन दास और अंचल बीच बिहार। स्वामी जी महाराज तो कर्ता स्वरूप, प्रेमी जी जनो तो कर्ता मन कर्ता सही, कर्ता श्री हरदास, कर्ता सुख न सो लहे, ये कर्ता है ना बिहारी बिहारन सबके, ये भी सुख इनते ले में है हरदासी जूते। तो कहें श्री हरिदास कर्ता किया सो हुआ, तो कर्ता कौन भाई जी? कर्ता भाई स्वामी जू महाराज, ललता जू कर्ता भाई, ये सहचरी दे तो आशीष बिहार इन दासी करहो नवल नितरलिया। कोई समझ में कछु बात समझवे में कमी रह जाए, नहीं आई है कोई बात ना है, कोई बात ना है, स्वामी जी समझ में आ जाए, स्वामी जी के चरणों में अनन्य निष्ठा है जाए, श्री हरदास नाम के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगे, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ निश्चित अंतरंग दृष्टि खुलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। अगर ये नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया सब कुछ, तो कुछ नहीं हुआ है। श्री हरदास, श्री हरदास। प्रेमी रसिक जनों, मेरी जीवन राधिके तन मन बचनन प्राण, ललित केल अंग संग सदा बेरत रसिक सुजान। रसिक सुजान बिहारी बिहारन ललताजू के अंक में अहर्निश बिहार प्राण रह में है। बहुत भांतिन तन मिलन मिले मन सो मन अरुझान, मिलत मिलत मिलवो चहे छिन छिन प्रीत नवीन, कुंज विहारिन लाडली ललित केल लवलीन। आचार्य
श्री ललित कृष्णदेव जी महाराज कहते हैं, मिलत मिलत मिलवो चाहे, मिलते मिलते बिहारी बिहारी और मिलवो चाहे, छिन छिन प्रीत नवीन, छिन प्रति छिन नव नव प्रीत, नई नई प्रीत, नई नई उमंग, नई नई तरंग, नयो नयो भाव, नयो नयो चाव, बिहारी बिहारी, छिन छिन प्रीत नवीन, कुंज विहारिन लाडली, ललित केल लवली। जो ललिता जी की केल है अथवा सुंदरात सुंदर जो नित्य केली है, वह केली में हमेशा हमेशा ये बिहारी बिहारिन लवलीन रह में है। ललित केल लवली, बहुत भांतिन कन मिले, मन सो मन अरुझान, बहुत प्रकार सो बहुत आसन ते, नाना आसन अंगन कसन, लसत प्रेम में काम, हरदासी और बीच में बिहरत श्यामा सा, बहुत भांतिन तन मिले, मन सो मन अरुझान, नैनन सो नैना मिले, तौ तो मन अकुलान। बहुत भांति नित्य मिले हुए हैं बिहारी बिहारिन, तन सो तन और मन सो मन और ज्ञान, नैनंते नैनऊ मिले हुए हैं, और तव मनो अकुलान, फिर भी अकुलाट है, ऐसो रस है प्रेमी जन हो, तुब मुख चंद चकोर ये नैना, अत्यारत अनुरागी लंपट भूल गई गति पलऊ लगेना, मिले रहे तो मानो कबऊ मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। ये ऐसी रसिक प्राण है युगल, मिले रहे मिलते मिलते वो भानु ना रहे कि हम मिले हैं मिल रहे हैं, चौगुनो चाव और बढ़तो ही चले जावे है प्रेमी रसिक जनों। ये नित्य निपट ये करता कौन, ललताजू की कृपासों, ललताजू के हाव भाव सेन संकेतन के माध्यम से इन बिहारी बिहारन को अनवरत अखंड नित्य सुख प्राप्त हो तो ही रहे। छिन छिन प्रीत नवीन, छिन छिन में नई नई प्रीत ललताजू की ही कृपासों बिहारी बिहारन को प्राप्त हो गए। स्वामी जी महाराज की रस रस कन को रस भोग है, रस रस कन को रस पान है, रस ही भोजन भोग। रसिक कौन, युवल बिहारी और रसिक कौन, सहश्री परकर और दास परकर रसिक जन, वृंदावनीय रसिक जन, हरदासी उपासना के अंतर्गत रसिक जन। तो रस रस कन को रस पान है, तो बिहारी बिहारन को इन युगल को जो पान कहा है रस ही पान है, इन रसकन को पान करबो, खान पान भोगी नहीं, नहीं चलन की रीत, काम केल की सेज पे गौर श्याम की प्रीत। ये खान पान भोगी नहीं, नहीं चलन की रीति है, काम केल की सेज पे गौर श्याम की प्रीत, सेज काय की, काम केली की ही सेज है। स्वामी जी महाराज ललताजू ही काम केली स्वरूप है, ललताजू ही शेष स्वरूप है, ललताजू ही प्रिय प्रीतम स्वरूप है। स्वामी जी महाराज तो रस रस कन को रस पान है, रस ही भोजन भोग। जो भोजन है भोग है वो रस ही है, परस्पर को मिलन ही है, रस पान ही है, अंग अंगन की जुड़न ही है, अंग अंगन को मिलन ही है, चितवत दृष्टि तृत नहीं, वो तो मन वच क्रम याई संग भरण को। स्वामी जी के पद रस बिनु ने कुन रह सके, रस गौर श्याम संजोग। गौर श्याम को जो संजोग है मिलन है यही को रस कह में है। पूर्व कह चुके हैं आचार्य मानभाव, जो लीला रस है
ब्रजरस हो अथवा अन्य उपासनान के रस जो लीला रस है, हरि लीला रस जाय के गाय के अनेकानेक भक्तन को कल्याण भयो, उनको धामन की प्राप्ति भई। लेकिन ललित कृष्णदेव जी महाराज कह रहे हैं मूल में रस इन प्रिया प्रीतम को मिलन है, ये ही रस है। जो नाना प्रकार की ठाकुर की ऐश्वर्यमयी अथवा वात्सल्य सख्य लीला है नाना प्रकार की, वो लीला रस है, लेकिन ये नित्य विहार रस है। तो मूल में रस वस्तु जो है नित्य विहार रस ही है स्वामी जी महाराज, और जो नित्य विहार रस है वो स्वामी जी के यहां। आचार्य जनन ने बहुत प्रकाशों हमदासन को बताया है। तो रस बिन ने कुन रह सके, रस गौर श्याम संजोग। स्वामी जी के श्री चरण कमलन में अनन्य भाव सियदास नाम जाप, ये टेक नहीं भूलना है। रस दृष्टि ऐसी उजागर होगी क्रम से धीरे 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 स्वामी जी कृपा करेंगे, ओहो सनात हो जाओगे स्वामी जी महाराज। सियदास तो कर्ता स्वरूप कौन है? कर्ता स्वरूप स्वामी जी महाराज, ये बात है। तो ये रस दृष्टि में रसपरक भाव में ये कर्ता स्वरूप हमारे स्वामी जी महाराज हैं, ये भी भाव एक समझनो जरूरी हो। छोटे से शब्दन में बृहत तो समझनो, समझते रहेंगे स्वामी जी की कृपा से, अल्प सो समझाया हो तुम लोगों को स्वामी जी महाराज की। तो बिहारी दास आनंद निधि लूट सके तो लूट, और महामधुर रस माधुरी मधुर प्रेम रस घूम। श्री हरदास मन मेर भजिले श्री कुंज विहार, सब सुख सागर रूप जा, अंग संग प्रीतम प्यार। वृंदावन घन नवने कुंज केली करत बुझा, बिहारी बिहारिन दास लुड़ा, जीवन प्राण हमार। मन मेर भजिले श्री कुंज विहार, स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज, वृंदावन चंद्र समस्त आचार्य वृंदन के, गुरुदेव जी महाराज, रंगीले बिहारी बिहारी, श्री हरदास श्री हरदास श्री।